हेलो गाइस, चिंकी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आंवले का अचार बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये 1 किलो आंवले ली है। आंवले को हमने पहले से ही वॉश करके रखा था और अच्छे से पोंछ लिए हैं। फिर उसके बाद हमने चाकू की मदद से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसका मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले 1 चम्मच लौंग ले लिया है। लौंग लेने के बाद 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च लेने के बाद 1 चम्मच मेथी दाना ले लिया। मेथी दाने के बाद हमने 2 चम्मच सौंफ ले ली है। सौंफ लेने के बाद राई और सरसों ली है 1-1 कटोरी, और इन्हें पीस भी लेना है। 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने ये नमक ले लिया है। नमक लेने के बाद लौंग और काली मिर्च को हमने पीस लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हमने काला नमक लिया है और हमने ये हींग ले ली थोड़ी। उसके बाद ये हमने पीस लिया। पीसने के बाद हमने 1 लीटर हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हमने भगोनी में डाल दिया है। डालने के बाद हमें गैस को चालू कर लेना है। चालू करने के बाद तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और हमें इसे चेक भी करना है। इसमें आप जीरा राय कुछ भी डालकर देख लेना, ये तड़कने लग जाए उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना। फिर हमने ये मसाला तैयार करा था, वो हमने जो आंवले कट करके रखे उसके अंदर हमें डाल देना है। इन सभी मसालों को हमने जो हमने आंवले कट करके रखे उसके अंदर हमने डाल दिया। डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ जो हमने तेल गर्म होने दिया था उसे हमें ठंडा भी करना है। फिर हमने इस सरसों को तेल को अच्छे से पूरा ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही आपको सरसों के तेल को मसाले के अंदर डालना है। ये हमने तेल को मसाले के अंदर डाल दिया है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और हमें मिक्स करने के बाद आपके आंवले का अचार तैयार है। तेल को आपको गर्म नहीं डालना है, तेल को आपको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इस मसाले के अंदर ऐड करना है, नहीं तो आपका अचार ख़राब भी हो सकता है और अच्छा भी नहीं बनेगा आपका अचार। इसलिए आपको तेल को ठंडा ही करना है और आप घर पर इस अचार को ज़रूर बनाकर देखिए और आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो और ये अचार आपका साल भर तक भी ख़राब भी नहीं होगा। और आंवला तो वैसे ही लाभकारी है सेहत के लिए, तो इस आंवले का नमकीन अचार आप घर पर ज़रूर बनाएं और हमें बताएं यह रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घर पर आप इस रेसिपी को बनाएं और हमें कमेंट भी करके बताएं यह आपको कैसी लगी। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।